नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 31 मार्च 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में, शुक्र मंगल शनि मकर राशि में, गुरु कुंभ राशि में, सूर्य बुध चंद्रमा मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। मेष राशि, बच्चों की सेहत पे ध्यान दें। प्रेम में तुतु मैं संभव है। सरकारी तंत्र से कुछ गाज गिर सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और संतान मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब ठीक रहेंगे, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। सूर्य को जल देते रहे। वृषभ राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम की स्थिति नरम गरम, व्यापार आपका ठीक चलता रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, कोर्ट कचहरी से बचें, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यवसायिक कोई नई शुरुआत ना करें, जो चल रहा है उसको चलने दें। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापार आपका मध्यम गति से चलेगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, यात्रा में कष्ट संभव है, अपमानित होने का भय रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम और व्यापार भी मध्यम दिख रहा है। गणेश जी को प्रणाम करते रहे और लाल वस्तु अपने पास रखें। सिंह राशि, जोखिम भरा समय, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करें। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी है और संतान भी अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक चलते रहेंगे। सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, रोजी रोजगार थोड़ा मध्यम दिख रहा है, स्वास्थ्य करीब करीब ठीक रहेगा, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी आपका मध्यम गति से आगे बढ़ता रहेगा। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, प्रेम और संतान अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चलते रहेंगे। सूर्य को जल देते रहे। वृश्चिक राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, महत्वपूर्ण निर्णय भी ना लें, विद्यार्थी भी कहीं कोई नई शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब सही चलेंगे। पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि की स्थिति ठीक है, लेकिन घरेलू सुख बाधित और थोड़ा रक्तचाप अनियमित हो सकता है। भूम भवन वाहन की खरीदारी में थोड़ी खलल दिख रही है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापार भी आपका अच्छा चलता रहेगा। केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि, अगर किसी तरीके की कोई व्यापारिक शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरू करें, अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने भी नाक कान गला की परेशानी थोड़ी हो सकती है। प्रेम और संतान सही चलता रहेगा। शिवजी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, पूंजी का निवेश करने से बिल्कुल बचे। कुटुंबों में कौटुंबिक स्थिति थोड़ी मध्यम दिख रही है, परेशानी का अनुभव करेंगे कुटुंबों से। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब सही रहेंगे। सफेद वस्तु पास रखें। मीन राशि, बच्चों को लेकर के मन थोड़ा खिन्न रहेगा, प्रेम में उतना साथ नहीं अनुभव करेंगे जितना साथ आपको चाहिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चलते रहेंगे। स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहें।